आउटर स्पेस कहाँ से स्टार्ट होती है? आप कितने हाइट पर जाकर बोल सकते हो कि आप स्पेस में हो? आपको कैसे पता चलेगा कि अर्थ एटमॉस्फेयर ऑफिशियली खत्म हो गई है और स्पेस स्टार्ट हो गई है? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अर्थ एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होते जाती है, पर एक इमेजिनरी लाइन ऐसा है जो हमारे एटमॉस्फेयर और स्पेस को अलग करती है, और ये सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड भी है। इसे हम कर्मन लाइन बोलते हैं। इस लाइन को वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से डिफाइन किया गया है। इस इमेजिनरी कर्मन लाइन के बाद एटमॉस्फेयर पतली होने लगती है, इतनी पतली कि वहाँ कोई भी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकती। पर ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर यहाँ खत्म हो जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो धरती से 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, वो भी एटमॉस्फेयर के इफेक्ट्स को फील कर सकती है, पर वहाँ एटमॉस्फेयर नोटिसेबल नहीं होती। दोस्तों, कर्मन लाइन को अच्छे से समझने के लिए हमें एटमॉस्फेयर के लेयर्स को समझना होगा। बेसिकली एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके समझते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर्स को। ट्रोपोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर में लोएस्ट लेयर होता है, जो कि धरती से लेकर 8 से 14 किलोमीटर ऊपर तक होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे डेंस लेयर होता है। ये वही लेयर है जिसमें हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर में हमारे एटमॉस्फेयर का 75% हवा होता है, जिसकी वजह से बादल और बारिश होती है। इस लेयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर कम होने लगती है। दोस्तों, ये वही लेयर है जिसमें सारे कमर्शियल प्लेन अपनी उड़ान भरती है। ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर से स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 50 किलोमीटर ऊपर तक होती है। दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होता है, जो कि सूरज से आने वाली यूवी रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने की वजह से इस लेयर में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ने लगती है। मेसोस्फेयर ठीक स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर से स्टार्ट होती है, जो कि 85 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। दोस्तों, ये वही लेयर है जिसमें स्पेस से आने वाली मीटियोर जलकर राख हो जाती है। थर्मोस्फेयर मेसोस्फेयर के जस्ट ऊपर से स्टार्ट होती है, जो कि 600 किलोमीटर तक ऊंची है। ये वही लेयर है जहाँ से सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है। एक्सोस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर का अपर लेयर होता है, जो 600 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 10,000 किलोमीटर तक होता है। अब दोस्तों, आप पूछोगे कि कर्मन लाइन किस लेयर में होती है? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कर्मन लाइन धरती से 100 किलोमीटर ऊपर होती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे एटमॉस्फेयर और स्पेस को डिवाइड करती है, जो कि बेसिकली मेसोस्फेयर के ऊपर होती है।